प्यारे छात्रों, हम लोग कक्षा 12 में समाकलन पढ़ रहे हैं। एक नई कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। समाकलन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि अवकलन से समाकलन को कैसे हम रिलेट करते हैं। फिर अगली क्लासरूम में हमने देखा समाकलन की कई विधियां होती हैं, जिसमें हैं निरीक्षण विधि, प्रतिस्थापन विधि, खंडशा विधि और आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन ज्ञात करना। हम लोग पिछली कक्षा में प्रतिस्थापन को शुरू किया था। मैंने बताया था आप लोगों को कि यदि कोई ऐसा फलन दिया हुआ है जिसका हम डायरेक्ट निरीक्षण द्वारा उसका समाकलन नहीं निकाल पाते हैं, तो उसके लिए उस फलन में हम कुछ चेंजेस करते हैं। उस फलन के चर को हम दूसरे चर के साथ प्रतिस्थापित करते हैं, रिप्लेस करते हैं, और इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि जो हमारा फलन दिया हुआ है जिसका समाकलन हमें निकालना है वह उस रूप में आ जाए जिसका समाकलन हमें पता है। हमने उसमें एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था। आज हम उस तरीके का प्रयोग करेंगे जिसमें किसी बीजीय फलन को त्रिकोणमितीय फलनों से प्रतिस्थापित कर करके हम समाकलन ज्ञात करते हैं। इसके लिए ये जरूरी है सबसे पहला कि वह कंडीशन हम जान लें जिसके अंतर्गत हम चर को किस रूप में त्रिकोणमितीय फलन के रूप में बदलेंगे, कब बदलेंगे और क्या उसमें प्रतिस्थापन हम करेंगे। यदि हमारा व्यंजक दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसके जगह पे जब हम त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करते हैं तो हम एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा ले लें, या फिर हम एक्स की जगह पे ए साइन थीटा लिख करके प्रतिस्थापन करते हैं। दूसरी चीज, यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है हमारे समाकलन में, जिसका समाकलन ज्ञात करना उस फलन में कहीं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो वहाँ पे हम एक्स की जगह पे ए टेन थीटा रख करके उस विजी फलन को त्रिकोणमितीय फलन में कन्वर्ट कर लेते हैं, या हम एक कॉट थीटा भी रख सकते हैं। यदि हमारा जो फलन दिया हुआ है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, वहाँ हम एक्स की जगह पे एक सेक थीटा जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो यह उस रूप में बदल जाएगा जो त्रिकोणमितीय फलनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रतिस्थापन के तरीके हैं। इन तरीकों के आधार पे हम ये जान सकते हैं कि यदि हमें प्रतिस्थापन करना है तो हम चर एक्स की जगह पे थीटा किस रूप में परिवर्तित करें। जैसे यदि हमको दिया हुआ है अंडर रूट ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स, इस केस में हम एक्स की जगह पर यदि ए कॉस टू थीटा लिखें, यह त्रिकोणमितीय सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा रख करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन प्रतिस्थापन के द्वारा हम समाकलन ज्ञात करना आसानी से समाकलन को ज्ञात किया जा सकता है या हल किया जा सकता है। यदि हम एक एग्जांपल ले लें, हमें समाकलन निकालना है 1/√ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष हमें समाकलन ज्ञात करना है। हमें अभी कहा है कि यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो हम एक्स की जगह पर ए कॉस थीटा या एक्स की जगह पर ए साइन थीटा पुट करते हैं ताकि यह बीजी फलन हमारा त्रिकोणमितीय फलन में कन्वर्ट हो जाए। यदि हमने मान लिया कि माना x बराबर a साइन थीटा,
तो डीएक्स क्या हो जाएगा, डीएक्स बराबर होगा ए कॉस थीटा डी थीटा। कल भी मैंने बताया था लेफ्ट साइड का हम चर एक्स के सापेक्ष समाकलन सॉरी अवकलन करेंगे, यह ए अचर है, और राइट साइड का हम इस थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा कॉस थीटा, और हम यहाँ डी थीटा लिखेंगे इसलिए ताकि ये पता चले कि हम राइट साइड का किस चर के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। यदि यह दो वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो जो दिया हुआ हमारा समाकलन है वह इस रूप में बदल जाएगा, वन अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर हम ए साइन थीटा यदि लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डीएक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा डी थीटा। हमने लिखा ए कॉस थीटा डी थीटा। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन एक्स में दिया हुआ था चर बीजीय फलन के रूप में दिया हुआ था वह अब थीटा के रूप में हो गया है, अर्थात त्रिकोणमितीय फलन के रूप में यह कन्वर्ट हो गया है। हम ज्ञात सूत्रों की सहायता से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है अंडर रूट में, हम यहाँ से ए स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं कॉमन। जब ए स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो करणी के बाहर निकलेगा ए, केवल बाहर निकलेगा, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं ए अंडर रूट में बचा यहाँ पर वन, यहाँ बचा वन साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बचा, यहाँ ए कॉस थीटा डी थीटा हम एजीटी उतार देंगे। अब ये रहा ए हर में, यहाँ ए है हमारा अंश में, इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यह अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा जब करणी से बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा होगा, और यह जो कॉस थीटा है वह इस कॉस थीटा के साथ खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा केवल वन डी थीटा, और हमने शुरू में कहा था कि वन का समाकलन इस केवल चर के बराबर होता है, अर्थात इसका मान आ जाएगा थीटा। हमने सॉल्व कर लिया, हमने हल किया है, लेकिन आंसर हमारा थीटा में आया है, जबकि क्वेश्चन हमारा चर एक्स में दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, इस थीटा को एक्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और एक्स के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम जो एक्स हमने माना है एक्स बराबर है साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा का मान यदि हम निकालें यह हो जाएगा एक्स अपान ए, जहाँ से थीटा का मान हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपान ए। अतः हमारा समाकलन हुआ इंटीग्रेशन वन अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का समाकलन निकल गया साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। इस तरह से हमने देखा है कि त्रिकोणमितीय फलन में कैसे कन्वर्ट करके बीजीय फलन को और उसका हम समाकलन ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम इन प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यदि एक और हम एग्जाम्पल ले लें के माध्यम से हम लोग एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि वन अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब हमने समाकलन निकाला है यह आया है साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस अंत में एक सी हम जोड़ते ही हैं। हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का समाकलन हम निकालें, वन अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का हम समाकलन निकालें। यहां हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, हमने
अभी प्रतिस्थापन के बारे में बताया था, यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो हम x की जगह पर क्या पुट करते हैं, x की जगह पर हम a tan थीटा पुट करते हैं। यदि हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, इसको सॉल्व करने के लिए हमने x की जगह पे a tan थीटा पुट किया तो dx क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यदि हम यहां पर यह सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं तो दिया गया हमारा जो इंटीग्रेशन है वह इस रूप में आ जाएगा, वन अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू डीएक्स। डीएक्स की जगह पर हम लिखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्या मिला, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, ए होगा, ए से ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जो करणी से बाहर जब निकलेगा तो वह सेक थीटा होगा। देख ले, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया है, वन अपान ए अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हुआ, और यहाँ पे ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा ये दिया हुआ है। ए से ये ख़त्म होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, करने से बाहर निकलेगा सेक थीटा, ऊपर है सेक स्क्वायर थीटा, नीचे है सेक थीटा, तो एक सेक थीटा हमारा बचेगा, हमें मिलेगा सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा का हमारा समाकलन होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हमें क्या करना है, हमें बस ये करना, हमने समाकलन तो निकाल दिया है, अब हमें बस ये करना है कि इस थीटा को हमें एक्स के रूप में कन्वर्ट कर देना है। हम tan थीटा के जगह पे x अपान a लिख सकते हैं। यदि हम tan थीटा के जगह पे x अपान a लिखेंगे तो sec थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, उसके लिए हम यहाँ से ले लेते हैं। यदि हमारा थीटा है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, करण हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, सेक थीटा हमारा होता है करण बटा आधार, अर्थात अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान में ए, अर्थात यहाँ से हमें सेक थीटा का मान निकलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान में ए। यह वैल्यू हम यहाँ पुट करें, क्या मिलेगा, लॉग sec थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए प्लस एक्स अपान ए प्लस एक अचर हम लिख दे रहे हैं के बराबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हमें मिलेगा log, हमने यहाँ लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम होगा a, नीचे ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। यदि हम log a अपान b को log a माइनस log b कहें तो हमें मिलेगा क्या, log अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस log a प्लस के। यह दोनों अचर हैं, इन दोनों अचर की जगह पे यदि हम अचर C का प्रयोग करें, एक नया अचर ले लें इसकी जगह पे, तो हमें इसका इंटीग्रेशन मिला वन अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमारा दिया हुआ फलन था उसका समाकलन हमें मिल गया लॉग एक्स प्लस
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक सी, इसका हम सूत्र के रूप में प्रयोग करेंगे। इसी तरह से जो अगला हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर समाकलन दिया हो ज्ञात करने के लिए, इसी प्रकार जब हम इसमें x के जगह पर a sec थीटा पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसका समाकलन मिलेगा हमें log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यह हम दूसरा फार्मूला है, और इसके पहले हमने इसका समाकलन निकाला था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान हमने निकाला था, यह आया था साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। यह तीन फार्मूले ऐसे हैं जो देखने में एक जैसे हैं, वन हा अंश में सबके है, अंडर रूट हर में सबके है, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी तीनों में है ही है, केवल इनका स्थान परिवर्तन हुआ है और बीच का चिन्ह परिवर्तन हुआ है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है इन फार्मूलों को यूज करते समय कि कहीं ऐसा ना हो कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये का समाकलन हम ये लिख दें या ये लिख दें, इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और इंटीग्रेशन हम निकाल लें फार्मूला या कुछ विशेष प्रकार के प्रतिस्थापन के सूत्रों का निगमन हम लोग कर रहे हैं और इनका बाद में हम लोग सूत्र के रूप में प्रयोग करेंगे क्वेश्चन को हल करते समय। वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स यदि इंटीग्रेशन निकालना हो, इसमें और इसमें भी बहुत अंतर नहीं है, यहाँ अंडर रूट दिया है लेकिन यहाँ पर बिना अंडर रूट के है। ये भी दो फार्मूले हैं, कन्फ्यूजन ना हो दिमाग में, इसके लिए मैं यहाँ भी इसको निगमित कर देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यदि है तो हम इस बीजीय फलन को त्रिकोणमितीय फलन में जब कन्वर्ट करेंगे तो x की जगह पर क्या रखेंगे, हमने अभी बताया है कि x के जगह पर हम a tan थीटा रखेंगे, हमने रखा x की जगह पे a tan थीटा, तो हमारा dx हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यदि हम ये पुट करें हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स की जगह पर हम ए टेन थीटा रखेंगे, वर्ग है तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हमें मिलेगा, तथा डी एक्स की जगह पर हम रखें ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखें ए स्क्वायर हमने यहाँ कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर जब हम बाहर लेंगे इससे एक खत्म होगा तो एक अभी नीचे ए बचेगा अर्थात वन अपान ए हमारा बचा, हर में और क्या बचा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यह सेक स्क्वायर थीटा इस सेक स्क्वायर थीटा के साथ खत्म होगा, बचा हमारा केवल डी थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा अर्थात वन अपान ए इंटू थीटा, हमने समाकलन ज्ञात कर लिया है। केवल अब हमें करना है इस त्रिकोणमितीय रूप को बीजीय रूप में कन्वर्ट कर देना, जिसके लिए हम टेन थीटा की जगह पे एक्स अपान ए रखेंगे तो थीटा की जगह पे टेन इनवर्स एक्स अपान ए आ जाएगा अर्थात इसका समाकलन हो जाएगा वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस एक अचर सी। अब यहाँ देख लें वन अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यदि दिया है समाकलन के रूप में तो इसका समाकलन का फॉर्मूला लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जबकि यदि अंडर रूट न दिया रहे तब इसका समाकलन वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस एक सी होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग और क्लियर करें, इन तीन एग्जाम्पल को हम लोग हल करेंगे तो पीछे हमने जो सूत्र बताया है वह आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला हमने क्वेश्चन लिया है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान साइन एक्स माइनस ए, इसका समाकलन एक्स के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है, यहाँ हम
देख रहे हैं कि यहाँ x माइनस से दिया हुआ है, हमने x माइनस से की जगह पे ही t मान लिया, हमने माना x माइनस से बराबर t, तो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस a अर्थात dx बराबर हो जाएगा केवल dt। जब हम प्रतिस्थापन करेंगे तो यह हमारा फलन इस रूप में बदलेगा, x की जगह पे हम लिख सकते हैं t प्लस a नीचे साइन x माइनस ए की जगह पे हमने रखा है t और dx की जगह पे हम रखेंगे dt, ऊपर साइन a प्लस b का फार्मूला हम यूज कर लें, त्रिकोणमितीय फार्मूला हम प्रयोग करते हैं समाकलन के क्वेश्चनों को हल करते समय, जहाँ जैसी आवश्यकता होती है साइन ए प्लस बी का हम फार्मूला यूज करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यदि हम इसको तोड़ें मिलेगा हमें साइन टी कॉस ए प्लस कॉस टी साइन ए और बटा में हो गया हमारा साइन टी डी टी। यदि हम इस पद में साइन टी से भाग देंगे तो साइन टी खत्म होगा, हमें मिलेगा केवल कॉस ए डी टी। कॉस ए डी टी हमने लिखा प्लस, अब क्या बचा, कॉस टी अपान साइन टी, कॉस अपान साइन होता है कॉट, में मिलेगा कॉट टी इंटू साइन ए डी टी। कॉस ए क्या है, चूंकि यह टी से इंडिपेंडेंट है, यह अचर है, जब यह अचर है तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम बाहर निकाल देंगे, अचर और फलन के गुणनफल में हम अचर को समाकलन चिन्ह के बाहर कर देते हैं, यहाँ कॉस ए बाहर निकलेगा, केवल बचेगा डी टी, डी टी का समाकलन होता है टी, अर्थात हमें मिला कॉस ए इंटू टी प्लस साइन ए, हमारा अचर है यह बाहर निकल गया साइन ए, बचा कॉट टी, कॉट हमने कल फार्मूला इसका निकाला था पिछली कक्षा में, कॉट टी में हम कॉस अपान साइन लिखते हैं और हम साइन को टी मान के इसको हल करते हैं तो लॉग साइन टी इसका समाकलन मिलेगा, लॉग साइन टी प्लस अंत में हम एक सी जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अब t की जगह पे केवल हम मान रखेंगे x माइनस ए ताकि हमारा उत्तर x में आ जाए, चर x में ही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमारा आंसर भी x में होना चाहिए, हमने t की जगह पे x माइनस ए रखा, हमारा उत्तर होगा x माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, यह हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग ध्यान से देखें, हमने दूसरे एग्जाम्पल में बताया है यह बिना अंडर रूट का है, अभी हमें इसके पहले हमने एक सूत्र निगमित किया था वन अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए, अर्थात इसको हम ए स्क्वायर लिखें अर्थात दो का वर्ग यदि हम लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यह ए स्क्वायर हो गया वन अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन हुआ वन अपान ए, सूत्र देखिए वन अपान ए, ए का मतलब हो गया दो और टेन इनवर्स एक्स अपान ए, ए का मतलब हो गया दो, यह क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, यह समाकलन हमारा हल हो गया। अब तीसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल अंडर रूट में दिया हुआ है अचर माइनस चर वर्ग के रूप में है लेकिन एक्स के साथ हमारा 25 भी जुड़ा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं तो हम पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक कर देते हैं, यदि हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को वन करेंगे तो इसके लिए हमें 25 को कॉमन लेना पड़ेगा,
अब 25 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी लेंगे, यहाँ से भी लेंगे। 25 जब करणी से बाहर निकलेगा तो वह 5 के रूप में निकलेगा, और अंडर रूट यहाँ बचा 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यह बाहर हम कर दें 1/5 इंटीग्रेशन 1/ अंडर रूट, इसको हमने लिखा 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यह किस रूप का है? यह भी हमने बताया है कि तीन सूत्र हमारे होते हैं, 1/ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है, जिसका समाकलन होता है सूत्र साइन इनवर्स एक्स अपान ए। एक्स की जगह पे हम रखें वैल्यू एक्स, ए की जगह पे हम मान रखेंगे 3/5। यह 5 हमारा ऊपर चला जाएगा, प्लस सी हम जोड़ेंगे, यह 3/5 है, 5 ऊपर जाए तो 5x/3 हो जाएगा। अतः हमारा उत्तर हुआ 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस एक अचर सी। इस तरह से हमने उन फार्मूलों को सीखा है कैसे क्वेश्चन हल करते हैं।